तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लोकी एपिसोड 6 के बारे में। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सीन्स के बारे में बात करूंगा जो हमें लोकी के एपिसोड 6 में दिखने वाले हैं। इसके अलावा लोकी की सीरीज से रिलेटेड कुछ नए डिलीटेड सीन्स की इन्फॉर्मेशन भी अभी इंटरनेट पर सामने आई है, जिसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सो अगर आपको लोकी एपिसोड 6 और लोकी के डिलीटेड सीन्स के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लोकी के एपिसोड 6 के बारे में। सो लोकी के एपिसोड 5 में हमने देखा था कि लोकी और सिल्वी को एक ब्लैक कैसल देखने को मिला था बियॉन्ड द वॉइड, और एपिसोड 6 में लोकी और सिल्वी इसी कैसल के अंदर जाएंगे, और इसी कैसल के अंदर शायद इस सीरीज का मेन विलन भी होगा, जो कि शायद इवल लोकी या कैंग द कॉन्करर में से कोई एक हो सकता है। सो लोकी के ट्रेलर्स में हमें यह सीन दिखाया जा चुका है जहां पे लोकी और सिल्वी इस कैसल के अंदर जाते हैं। अब ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि लोकी इस कैसल के अंदर अकेले जा रहा है और उसके साथ सिल्वी नहीं है। इसके अलावा सिल्वी का भी एक सीन हमें दिखाया गया है जहां पर वो शायद एक लाइब्रेरी जैसी जगह पर लड़ रही है, शायद इस सीरीज के मेन विलन से ही, पर वहां पर भी हमें लोकी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि इस एपिसोड में लोकी और सिल्वी अलग अलग हो जाए। अब वो अलग अलग कैसे होंगे ये जो हमें एपिसोड 6 में पता चलेगा। इसके अलावा एक और सीन में हम लोकी को अकेले एक टाइम डोर के सामने खड़े हुए देख सकते हैं। अब यहाँ पर सिल्वी क्यों नहीं है ये कहना भी काफी मुश्किल है। ऐसा हो सकता है कि सिल्वी इस टाइम डोर में पहले ही अंदर चल गई हो, या फिर जो लाइब्रेरी वाला सीन हमें दिखाया गया था उस सीन में हो सकता है सिल्वी मर गई हो। मैंने पहले ही अपने एक वीडियो में ये डिस्कस किया है कि कैसे लोकी या सिल्वी में से कोई एक हो सकता है लोकी के एपिसोड 6 में मर सकता है। अगर आपको जानना है कैसे तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा एक और सीन में हम लोकी को टीवी के अंदर देख सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पिछले सीन में जो टाइम डोर हमें दिखाया जा रहा था वो टाइम डोर बेसिकली लोकी को टीवी के अंदर लेके आ जाए। हो सकता है जो मेन विलन है वो भी टीवी के अंदर आ गया हो और उसी के पीछे पीछे लोकी भी टीवी के अंदर आ गया हो। इसके अलावा कुछ और सीन्स में हम मॉबियस और रेवेनर रेंसलर को लड़ते हुए देख सकते हैं। एपिसोड 5 में मॉबियस टीवी वापस चला गया था ये बोल के कि वो इस प्लेस को जला के राख कर देगा, पर इन सीन्स को देखने से ऐसा लग रहा है कि मॉबियस रेवेनर रेंसलर से हार रहा है। तो क्या रेवेनर रेंसलर वापस से मॉबियस को प्रून कर देगी, और क्या मॉबियस वापस से वर्ल्ड में चला जाएगा, ये तो हमें एपिसोड 6 में ही पता चलेगा। इसके अलावा हमें लोकी के कुछ ब्रांड न्यू सीन्स ट्रेलर्स में देखने को मिले थे जो कि अभी तक लोकी के किसी भी एपिसोड में यूज नहीं किया गया है। पहले सीन में शायद हम लोकी को स्टार्क टावर के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और सीन में हम लोकी को एसगार्ड के थ्रोन के पास देख सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है ये लोकी और कोई नहीं बल्कि इवल लोकी हो जो कि इस सीरीज का विलन हो। ऐसा हो सकता है ये लोकी उस टाइमलाइन से हो जिस टाइमलाइन में बेसिकली लोकी ने एवेंजर्स को भी हरा दिया, इसके अलावा टीवीए को टेक ओवर कर लिया, और हो सकता है इन सीन्स के दौरान हमें इस लोकी की बैक स्टोरी के बारे में पता चल रहा हो। इसके अलावा कुछ और सीन्स में हम अपने सोलर सिस्टम को देख सकते हैं और अपने सोलर सिस्टम में कुछ सैटेलाइट्स को देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है ये सीन्स भी बेसिकली फ्लैशबैक सीन्स हो जहां पर हम इवल लोकी की स्टोरी के बारे में जान रहे हो। सो एपिसोड 6 से रिलेटेड जितने भी सीन्स हमें अभी तक दिखाए गए हैं ये सारे सीन्स डिसजॉइंटेड लग रहे हैं, और इन सीन्स को कंबाइन करने से कोई मेजर स्टोरी तो हमें एपिसोड 6 से रिलेटेड पता नहीं चल रही है। बाकी आपकी क्या थ्योरीज हैं इन नए सीन्स को लेके ये आप मुझे कमेंट से बताना ना भूलें। इसके अलावा चलिए अब डिलीटेड सीन्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमें लोकी की सीरीज में दिखने वाले थे। सो अगर आपने लोकी का एपिसोड 5 देखा होगा तो आपको उस एपिसोड में फ्रॉग थॉर भी देखने को मिला होगा जो कि एक जार के अंदर बंद था। सो लोकी के राइटर्स और प्रोड्यूसर्स के द्वारा ये कन्फर्म किया गया है कि फ्रॉग थॉर को हम लोकी के एपिसोड 6 में ही देखने वाले थे, उस सीन में जहां पे मॉबियस और लोकी टाइम थिएटर के अंदर थे। उस सीन में बेसिकली हमें एक सीन दिखाया जाता जहां पे बेसिकली फ्रॉग थॉर लोकी को मार रहा होता, और ये सीन हमें इसलिए दिखाया जाता क्योंकि मॉबियस बेसिकली लोकी को मॉक करना चाह रहा था और उसका मजाक उड़ाना चाह रहा था। पर इस सीन को इवेंचुअली कट कर दिया गया क्योंकि राइटर्स और डायरेक्टर्स ऐसा लग रहा था कि ये सीन इंक्लूड करने से वो टाइम थिएटर वाला सीन थोड़ा लंबा खींच जाएगा, इसलिए बेसिकली उन्होंने ये सीन कट कर दिया और ये डिसाइड किया कि फ्रॉग थॉर का ईस्टर एग वो लोकी के एपिसोड 5 में इंक्लूड कर लेंगे। इसके अलावा फ्रॉग थॉर को आवाज और किसी ने नहीं बल्कि क्रिस हेम्सवर्थ ने खुद दी है। सो यही थे कुछ नए सीन्स और कुछ डिलीटेड सीन्स की इन्फॉर्मेशन लोकी सीरीज रिलेटेड। क्या आप पसंद करते ये डिलीटेड सीन्स देखना या नहीं ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।